थाना सिविलाइन पुलिस ने 3 शातिर टप्पेबाज महिलाओं को किया गिरफ्तार, आभूषण भी किए बरामद। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी ने किया खुलासा। बता दें कि थाना सिविलाइन पुलिस ने 3 शातिर टप्पेबाज महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 जोड़ी सोने की सुई, धागा, कुंडल, पर्स आदि सामान सहित कुछ रुपए भी बरामद किए हैं। वही तीनों महिलाएं आपस में सगी बहने बताई जा रही है। एसपी सिटी अमित आनंद ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि 25 तारीख को थाना सिविलाइन क्षेत्र में एक महिला ऑटो में कहीं जाने के लिए चढ़ी थी। उसके पास उसका बैग था जिसमें कुछ आभूषण थे। उसका बैग इन तीनों महिलाओं ने धोखे से उड़ा दिया। इस संबंध में थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। महज 4 घंटे में थाना सिविलाइन पुलिस ने इस घटना में सम्मिलित तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से 2 महिलाएं जिला बिजनौर की, 1 महिला जिला मेरठ की, तीनों महिलाओं का आपराधिक इतिहास है। ये 25 तारीख को थाना सिविलाइन क्षेत्र में 3 महिला टप्पेबाजों ने ऑटो में एक चढ़े थे और ऑटो में जो एक और महिला थी उसके पास से उसका बैग और उसमें जो आभूषण और जो पैसे थे उसको धोखा देते हुए चोरी कर लिए थे। इस संबंध में थाना सिविल लाइन ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 4 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया। इस घटना में सम्मिलित तीनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। ये 20 से 25 साल की उम्र की महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी कम है। इसमें से 2 महिलाएं बिजनौर जिले से हैं और 1 मेरठ से है। ये तीनों महिलाएं अभ्यस्त अपराधी हैं। इन पे कई मुकदमे चोरी के लिखे गए हैं और ये 2013 से लगातार एक्टिव है। इसमें जो थाना सिविल लाइन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जो तीनों की गिरफ्तारी करी बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। सर, किस तरह से घटना को अंजाम देती थी? इनका घटना देने का तरीका इस प्रकार था कि जैसे ऑटो हायर करती थी उसमें जो ऑटो में जो अन्य महिला या कोई व्यक्ति बैठा होता था तो ये तीनों सारी व्यक्ति साथ में एक बच्चा भी पढ़ते थे जो कि डिस्ट्रैक्शन का काम करता था और इसी तरह बातचीत करते हुए उनका विश्वास अपने ऊपर बनाते हुए ये घटनाएं कारित करती थी। इस घटना में भी जो महिला का पर्स था इस धोखे से और विश्वास बनाते हुए इन्होंने गायब कर लिया और इसमें जो भी इनके पास आभूषण और जो पैसे मिलते थे ये अपने लिए यूज़ करते थे और व्यक्ति को जिस समय घटना हो रही होती थी उस समय आवाज भी नहीं होता था। कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता था कि मेरे साथ क्या हो गया और तब तक ये अपना घटना कारित करते थे। बरामदी सर क्या क्या चीज़ बरामद हुई है इनके पास से, महिलाओं के पास से? इनके पास से जो घटना में जो इन्होंने पर्स चुराया था एसेंस कंपनी का वो बरामद हुआ है। इसके अलावा अंगूठी है और कुछ कैश है जो इनके पास से बरामद किया गया था। कुछ सोने के कुंडल भी इनके पास। सर पुलिस की गिरफ्त में किस तरह से आई है, कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी क्या पूरा? इसमें जो वादिनी थी उसने पुलिस को कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद पुलिस ने उसमें कार्रवाई करते हुए आसपास जो सीसीटीवी थे उनको निकाला गया और जो घटना के समय जो लोग थे साक्षी थे उनका बातचीत की गई, उससे आधार पर इनके ऊपर 0 इन किया गया और इन महिलाओं को गिरफ्तार किया। तीनों महिलाओं का आपस में कोई रिश्ता कुसम? ये तीनों महिलाएं सगी बहनें हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल की उम्र की है। ठीक है। महिलाएं अभी बिजनौर में रह रही हैं और 1 मेरठ।